नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। कोरोना महामारी ने जिस तरह से पैर पसारा, पूरे देश में हालात किस तरह से बिगड़े आपने भी देखा। राजस्थान की हम बात कर ले तो यहाँ पर ग्रामीण भारत भी अब इसकी चपेट में आया, लेकिन इसके बाद स्थिति सुधरने लगी। शहरों की बात कर लें तो लगातार जिस तरह से पीक पर पहुंची ये महामारी और उसके बाद अब अस्पतालों के इंतजाम देखें तो वहाँ पर सुदृढ़ नजर आते हैं। वैक्सीनेशन यहाँ पर हो रहा है बड़ी मात्रा में, यानी कह सकते हैं कुल मिला के कि ट्रैक पर चीज़ें लौटती हुई नजर आती हैं। लेकिन जब गाँव की हम बात करते हैं और गाँव में फैलती महामारी को देखते हैं, वहाँ पर अव्यवस्थाओं को देखते हैं, तब सवाल उठता है कि ग्रामीण भारत आखिर विकास करेगा तो कब करेगा। हम मौजूद हैं आज भरतपुर में, भरतपुर जहां पर 13 पंचायत समिति हैं, इसके अलावा 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। हर एक विधानसभा के क्षेत्र के अंदर बहुत सारे गांव आते हैं और उस अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति की जो सुविधाओं की जरूरत है उसे क्या वो सरकारी स्तर पर मिल रही है, क्या सरकार जिन योजनाओं को लेकर आ रही है, क्या ग्रामीणों को उनके बारे में पता है, क्या उनकी जानकारी है, उसके फायदे उन्हें पता है, और वैक्सीन को लेकर भी, क्योंकि अब 18 प्लस वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, तो क्या गाँव में भी 18 प्लस को वैक्सीन लग रही है। तमाम अहम पहलुओं की जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे और हकीकत गांव की आप तक पहुंचाएंगे। इक्कीसवीं सदी है, लगातार विकास की बात की जाती है, शहरों में बहुत कुछ विकास हो रहा है, लेकिन क्या गांव में वाकई विकास हुआ है या नहीं, जो दावे किए जाते हैं वो सही है या नहीं, ये भी आज तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और इस वक्त हम नगला तीर गांव में मौजूद हैं, जो कि बयाना विधानसभा में आता है, बयाना पंचायत समिति भी है। ये थोड़ा तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे जहां से हम अभी आए हैं, और इस तरह के ही रास्तों से होते हुए इस गांव तक हम पहुंचे जिसका नाम नगला तीर है। 450 के करीब यहाँ की आबादी है और यहाँ के लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि कभी कोई आए यहाँ पर हाल जानने, कभी कोई पूछने आए कि आखिर क्या व्यवस्थाएं, क्या सुविधाएं, और कभी कोई देखने आए कि जिन सुविधाओं की बात यहाँ पर नेताओं के स्तर पर की जाती है, विधायक या अधिकारियों के स्तर पर की जाती है, क्या वो दावे यहाँ पर सच साबित होते हैं। चलिए यहीं के लोगों से बातचीत करते हैं। काका, यहाँ पर इस गाँव में कितने साल से हैं आप? मेरी 75 साल की उम्र रह गई। वैसे मैं 18-17 साल से खूब जानने लग गया हूँ। उसके बाद में जो पोजीशन है जो आपके सामने है, इसमें ज़्यादा मैं क्या कहूँ आपसे, कि जो रास्ता है जो आपको देखा हुआ है, आप लाइट की व्यवस्था में देख ही रही हैं, हम बगैर लाइट के बैठे हैं। अब लाइट तो है गाँव में, बल्कि देखो पोजीशन लाइट की, और अधिकारियों से आप बात करो जाके, वो अधिकारी भी हमारा सम्मान अच्छा करते हैं। आते हैं, यहाँ पे कोई आया है कि इस गांव में? अच्छा, कोरोना चल रहा है, महामारी गांव-गांव में फैली हुई है, उसको लेकर भी कोई गांव में आया है? अब चुनाव चल रहा है हो तो आ जाते हैं। अब कोरोना की क्या जरूरत है, बच जाएंगे बे उनके वोट हैं, और जो कोरोना में चले जाएंगे वो चले जाएंगे। मतलब कि इंसान की कोई वैल्यू नहीं, वोट की वैल्यू होती तो आपको इस पोजीशन में देखते, हम 47 से देश आजाद है, आज 2021 है, समारोह इसमें हमें क्या मिला सरकारों से, और वोट मांगने के लिए हमारा गांव कैसे मिल जाता है? अच्छा, तो जो विकास के लिए क्यों नहीं मिलता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जो विधायक हैं जिनको आप वोट का जिक्र कर रहे हैं, आपने वोट देकर जिताया भी विधायक जी को, कभी भी वो नहीं आए, इससे पहले भी चलिए कोरोना में नहीं आए, सिवाय चुनावों के, वो दूसरा मन उसका शकल नहीं देखते हम, के कौन विधायक है और कौन हमारा लोकसभा सदस्य सांसद है, कोई नहीं आता। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, कोरोना महामारी है, गांव-गांव में फैल चुकी है, कितने मामले सामने आ रहे हैं, क्या आपके गांव में कोई मामले आए हैं? क्या आपके हमारे यहाँ जो अधिकारी टीचर लगा रखे हैं, उनने कोशिशें करी हैं हमारे यहाँ, और ये कोरोना के जो टीका लग रहे हैं वो लगवाएं, उनने बहुत कोशिशें करी है, बाकी सरकार की कोई हमदर्दी हमारे लिए नहीं है। आपने टीका लगवा लिया है? हाँ लगवा लिया। दोनों टीके लगवा लिया? दोनों तो नहीं, एक लगवाया है, अभी एक लगवाया। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि बच्चे भी हैं, काकी क्या इंतजाम है गांव में, टीका लगवाया आपने? लगवाया है। दोनों लगवा लिए टीके? एक लगवाया है। अच्छा, यहाँ के युवाओं से भी बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए 450 के करीब, यानी इससे ज्यादा ही आपके यहाँ आबादी है इस गांव की, 400-500 के बीच में मैडम यहाँ पर आबादी टोटल। अच्छा, और ये बताइए व्यवस्थाओं को लेकर, जिस तरह से भी काका ने बोला कि कोई किसी का ध्यान नहीं जाता है, कुछ मतलब नहीं, लेकिन कोरोना को लेकर जरूर जाएं, क्योंकि दावा ये रहता है कि गांव-गांव जाके हम सर्वे कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पर कभी कोई टीम आई है अभी? देखो कोरोना का हमारे यहाँ गाँव में तो कोई केस है नहीं, क्योंकि अपने खुद अपनी स्वच्छता अपने हाथ है, लेकिन सुविधा कुछ नहीं है सरकार की तरफ से, जो अपने जो सुविधा मिलती है ना मुख्यमंत्री योजना से, प्रधानमंत्री अपने जो प्रधानमंत्री योजना से जो भी सुविधा मिलती है वो कोई भी सुविधा नहीं है अपने गांव के। मुख्यमंत्री की आप बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री तो लगातार गांव-गांव के लिए योजनाएं ला रहे हैं,
क्या यहाँ का प्रशासन है जो उसे इम्प्लीमेंट नहीं कराता है, या फिर उसे एग्जीक्यूट करना चाहिए कि गांव-गांव तक ये बात पहुँचे और जानकारी पहुँचे? मतलब यहाँ पर कोई कुछ आया नहीं है ना, तो कोई मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक कोई भी अधिकारी नहीं आया है, सुविधा लेकर तो कोई भी चीज की लेके आया नहीं अभी तक, डॉक्टर वगैरह कोई नहीं आया है, ना कोई खाद्य पदार्थ के लिए जो देते हैं ना राशन पानी, वो भी कुछ नहीं आया है, और यहाँ रास्ता ही नहीं है, आएगा कौन? हाँ, ये तो सबसे बड़ी समस्या भाई, रास्ता ही नहीं है। 500 की आबादी के लिए तो हर रोड होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए। अब बिजली गई है सुबह 7 बजे की, अब कितना बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं, लेकिन अब कोई काम नहीं बिजली का, अब गर्मी में तप रहे हैं यहाँ पर, क्या सुविधा? कुछ नहीं। अच्छा, आपने कहा डॉक्टर नहीं आता, यहाँ उपस्वास्थ्य केंद्र तो होगा, कहाँ जाते हैं आप लोग इलाज? बयाना जाते हैं, बयाना जाते हैं, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। बयाना यहाँ से पड़ता है 7 किलोमीटर। हाँ, तो अगर अर्जेंसी भी कुछ भी हो जाए, छोटी या बड़ी चीज, तो आपको बयाना ही जाना पड़ता है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। अच्छा, आपने कहा सर्वे नहीं, तो आपने कहा आपके यहाँ मामले भी नहीं है, लेकिन सर्दी जुकाम खांसी ये तो ऐसे लक्षण है जो घर घर में पाए जाते हैं, ऐसे में अगर किसी को टेस्टिंग करानी हो तो भी क्या बयाना ही बस एक रास्ता? हाँ, बयाना ही जाना पड़ता है, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, कोई भी तरह की सुविधा नहीं है, डॉक्टर के या सामुदायिक केंद्र जो होते हैं ना, वो कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे भी आसपास के गांव के भी यही हाल है जो आपके गांव का? हाँ, ये टोटल गांव है अपने, कम से कम 20,000 की आबादी है इन गांवों में, 12 गांव है यहाँ पर एक ही समाज के, 20,000 से ज्यादा की आबादी है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, कोई सामुदायिक केंद्र वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे। अच्छा, और वैक्सीन को लेकर लग चुकी है वैक्सीन, कितनी उम्र, 45 से ऊपर या 60 से ऊपर ही लगी है अभी? अभी 45 से ऊपर वालों को लगी है। अच्छा, और 18+ भी तो 1 तारीख से शुरू हुआ, वो उसमें अभी कुछ नहीं? अभी तो कुछ नहीं है यहाँ पर, 18+ का तो कुछ मामला ही नहीं आया यहाँ पर। ठीक है, आपने कहा कि इतनी योजनाएं आती है लेकिन आपके गांव तक वो योजनाएं नहीं पहुंचती हैं। अभी चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना मुख्यमंत्री ने लॉन्च की, उसको लेकर भी कुछ? सिर्फ चिरंजीवी का नाम ही सुना है, बाकी सुविधा कुछ नहीं है। तो आप लोगों ने उस योजना में दर्ज कराया? दर्ज कराया ना, पूरा कागज जो कार्रवाई होती है ना, जो बनता है कागज वो बनवा लिए, लेकिन सुविधा अभी तक नहीं मिली है। उसमें तो ये है ना कि अगर आपको बीमार होता है कोई, अस्पताल जाएंगे तो आपको पैसे नहीं लगेंगे, 5 लाख तक की सुविधा जो है वो सरकार की तरफ से। वो सुविधा है लेकिन अभी तक किसी ने यूज में तो लिया नहीं है, हमने नहीं लिया, लेकिन बनवा लिया आपने? बनवा लिया, बनवा जरूरत पड़ेगी तो आपको काम लेंगे वो तो, खैर हाँ वो तो कर लेंगे। ठीक है, और आपने एक बात कही कि यहाँ पर अधिकारी नहीं है, कुछ नहीं, यहाँ पर युवा भी कुछ है, इनसे ही बात करने की हालांकि कोशिश करते हैं। अच्छा, ये आने जाने में इतनी दिक्कत होती है दिन में ही, तो रात में अगर किसी को आना जाना हो तो कैसे क्या करते हैं आप? कुछ भी हो, जाना तो जाना ही पड़ेगा, कैसे भी जाओ, रास्ता तो इसी है, यही रास्ता है, ऐसे ही जाना है। हाँ, और बीच बीच में तो पक्की सड़क भी बनी हुई है, और कहीं पर तो बिल्कुल कच्चा रास्ता है कि बिल्कुल, तो कैसे दिक्कतें नहीं होती जब अस्पताल जाना हो तो? दिक्कत होती है ना, फिर क्या, वो दिक्कत तो हो ही है। और इतने साल से आप लोग कह रहे हैं कि यही है, तो कभी शिकायत नहीं की गई या कभी कहा नहीं गया कि ये विकास करना है? शिकायत काफी बार हुई पर कोई ध्यान ना दे बातों को, बातों पे ध्यान ही नहीं। अच्छा, तो आपने कहा कि सालों से ऐसा हो रहा है, एक बार जरा काका से ही बात करते हैं। आपने अभी कहा कि सालों से ये हाल है, और जब वोट लेना होता है तब यहाँ पर आते हैं, तो जब वोट मांगने के लिए आते हैं नेता, तब आप लोग नहीं कहते कि हम लोग से वोट देते हैं और आप लोग तो कुछ करते हैं? विशेष रूप से कहते हैं, विशेष रूप से, बल्कि सुन के और हम उनको आश्वासन दे के चले जाते हैं, हमसे वोट लेके चले जाते हैं, उसके बाद में कोई सुविधा नहीं देते, शक्ल ही नहीं दिखती है, हम खुद जाके फिर दोबारा से गुहार करते हैं पर कोई नहीं सुनता है। वो जो उनके पैगंबर हैं, डीलर हैं, वहाँ तक ही सीमित रहते हैं वो, यहाँ ना तो कोई MLA है ना कोई है, यहाँ तो डीलर है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि हमने सरकार या ऊपर लेवल पे तो सब चीज़ें की जाती हैं, लेकिन जिनको पहुँचाना है गांव-गांव तक वो नहीं पहुँचा रहे, सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम ये कहना चाहेंगे कि हम सरकार के जन हैं, जिससे सरकार बनती है, प्रजातंत्र है ना, प्रजातंत्र में जो हमें लाभ मिलना होता है वो मिल जाना चाहिए। हम सरकार को चुनते हैं, हम जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, और जो हमें लाभ चाहिए, विकास की चीज़ चाहिए, योजनाएं आती हैं, वो तो कम से कम मिले हमारे लिए, हम उसी स्तर से जी रहे हैं। अब बताओ, ये बच्चे हमारे पढ़े नहीं होते, ये जो बुजुर्ग औरत हैं, ये हमारी आपसे बोलती नहीं, जब कुछ मतलब क्षमता ही नहीं है, कुछ देखा ही नहीं है, तो कैसे बोल जाएंगे भाई? जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ देखी नहीं है,
जिस आदमी को जिस तरह से जीना यापन होता है वो हमारे सामने नहीं है। इसीलिए देखिए, हम जो आप बोल रहे हैं वो भी वो टीवी पर देखेंगे और उसके बाद, और आपने कहा मुख्यमंत्री, और इसलिए तो जगह जगह विधायक, जगह जगह सब अधिकारी होते हैं कि वो देखें। अब मुख्यमंत्री जयपुर में बैठकर नगला तीर गांव का कैसे उन्हें पता चलेगा, जब अधिकारी बताएंगे, जब अधिकारी जो उनने एमएलए चुने हैं ना, अपने सदस्य है ना, वो तो उनके अधिकारी पहुंचते हैं ना, वो उनके द्वारा तो पहुंच उनको देखना चाहिए। ठीक है, तो जो जो विधायक हैं, जो एमएलए जिनको आपने वोट दिया, जिनको आपने भेजा है, जिनको जो मुख्यमंत्री के संपर्क में है, आप कह रहे हैं कि उनको जाके बताना चाहिए कि हालात क्या हैं, लेकिन वो हालात तो तब बताएंगे जब वो खुद यहाँ पर आएंगे। हमारी जो दुख की आवाज है, हम जिस जनप्रतिनिधि को चुनते हैं उसको वहाँ पहुँचानी चाहिए, राजस्थान के हृदय में, राजस्थान के हृदय में पहुँचाने की उसकी क्षमता है, जो हम जिसको वोट देते हैं। हमारी आवाज़ दुख को वहाँ पहुँचाना उसका ध्येय है जो हम चुन के भेजते हैं। अब जब वो ही नहीं पहुँचाएगा तो वो कौन सुनेगा हमारी। तो ये आपने सुना, आपने दर्द यहाँ पर सुना कि आखिर क्या दिक्कतें हैं। देखिए, सबसे अहम बात जो उन्होंने कही, खास बात है, जब वोट चाहिए होता है तो सब आते हैं, इतने बुरे रास्तों से भी होकर आते हैं क्योंकि वोट चाहिए, लेकिन जब वोट हो जाता है, इलेक्शन हो जाता है, जीत जाते, इसके बाद कोई यहाँ झांकने भी नहीं आता है। और इनका एक ही कहना है कि कोविड तो यहाँ पर मामले भी सामने आए नहीं, क्योंकि कोई आता नहीं है, सर्वे नहीं हुआ, कोई टेस्टिंग नहीं हुई है, किसी तरह का कोई आया नहीं देखने के लिए हालात, तो इनको कुछ नहीं पता है। कहना एक चीज़ ये भी, और एक व्यंग के तौर पर कह सकते हैं कि इन रास्तों से तो इंसान ही आना पसंद नहीं करता, कोरोना कैसे आ जाएगा। अब समझिए कि ये कितने ज़्यादा कष्ट में है, जो मूलभूत सुविधाएं, ज़रूरतें हैं वो तक यहाँ पर पूरी नहीं हो पा रही है। वैक्सीन यहाँ पर हालांकि लगी है, हर इलाज के लिए उनको बयाना जाना पड़ता है, 7 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और रात के अंधेरे यानी शाम ढलने के बाद से तो निकलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कहना यही कि जो विधायक है, जो स्थानीय प्रतिनिधि है, वो बात मुख्यमंत्री तक पहुँचाएं, वो इनकी आवाज़ पहुँचाएं, इनका दर्द, इनके कष्ट को ध्यान दें, तो शायद बहुत हद तक हालात ठीक हो सकते हैं। लेकिन स्थानीय तौर पर अगर कुछ नहीं किया जाएगा, गौर नहीं किया जाएगा, तो ये हालात बद से बदतर होंगे, सुधरेंगे नहीं, और यही एक अहम दर्द है इन लोगों का। इस वक्त हम मौजूद है डी कुम्हेर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आने वाले बाबूला गांव में। हालांकि आबादी यहां पर बहुत कम है, 250 के करीब लोग यहां पर हैं, 25 करीब घर हैं। एक बार जरा बात करते हैं इनसे। काका, ये बताइए कि यहां पर कोरोना के मामले आए हैं क्या? कोरोना तो यहां भयो ना काऊ की एक जाई के भयो, पर यहां ना तो कोई नर्स आवे और ना काऊ के इंजेक्शन लग रहे। एक बड़े बड़े इनके लग गए, 45 साल वाले काऊ के इंजेक्शन ही ना लगे, 45 नर्स भी नहीं आते कोई जानकारी करवे, ना कोई बीएलओ आवे स्कूल। और पानी तुम पी के देखेंगे, पानी मारे बदबू, कुंडा भर गया नहर के पानी से, बीमारी फैलेगी गांव में ऐसी, कोरोना जैसी। अच्छा, ऐसी बीमारी यहाँ पर, ये कब से? सुन के देख हुआ है, मतलब बदबू मारती है उसमें। नहीं तो ये कब से ऐसा है? अभी पानी आ रहा है गंजी नाले के, तो इतना बंद, मतलब कुआ के पानी को तुम छीना बदबू आ रहे हैं। या तो कह रहे हैं बनो पत्रकार, मैं लाला भी अस्पताल में बात, वो नर्स फर्स तो आवे ना है, पहले तो वो आवे ही बुझा, अब कोई ना आवे कोरोना में। तो ये तो पानी वाली समस्या हुई, कोरोना को लेकर आपने कहा कि मामले यहाँ नहीं एक ही आए थे यहाँ पर, लेकिन आप लोग को डर नहीं है? डर नहीं यहाँ तो कोई भी मास्क में नजर नहीं आ रहा है। मास्क तो जो ना आगे यहाँ सुनो, अब यहाँ साफी फापी लगा लें यहाँ तो कहोगे भयो ना है। अरे ऐसे तो अगर नहीं लगाएंगे और एक को भी हुआ तो सबको नहीं हो जाएगा? अब देखो ऐसा है ना, गांव में तो कम जाए ना हम, हाँ ना जाए ना हमें को। लेकिन अभी आपने कहा ना कि यहाँ पर तो व्यवस्था है नहीं चिकित्सा की, अगर कोई बीमार हो जाए आसपास जाएंगे, मतलब भरत कुमेर इंजेक्शन लगवा के आए, एक बेर गांव में आए, और पहले तो जो ये ना फैलो ना कोरोना, जब तो एक बेर नर्सी तो आवे, अब सबको ही ना आवे। लेकिन भाई साहब, आप लोग कोई मास्क में क्यों नहीं है? डर नहीं लगता क्या कोरोना से? डर ना, तो दिन भर रखे हम तो साफ डाटा लगा रखे। ये सब देखिए, क्यों नहीं लगाया मास्क आपने? मास्क बाहर जाए आप लगा के जाए, बाहर इतने सारे लोग हैं, इतनी भीड़ यहाँ पर आप लोग लगा ली बाहर का? नहीं तो कहा लगा, यहाँ पर कोई बीमारी होगी तब आपको यकीन होगा कि आपको कोरोना होगा, तो मास्क बाहर जाए कुमेर भरतपुर जाए जब लगा के जाए। और इस गाँव में रहेंगे तो नहीं? गांव में तो सब सही है, घर में भी अगर दो लोग तीन लोग हैं ना तो भी मास्क लगाना है, तो फिर आप लोग तो इतने सारे लोग पूरे कॉलोनी में पूरे गांव में वैक्सीन लगवाए गए, 3 दिन लौट के आना पड़ो, लगा में ही ना है। वैक्सीन लगी क्या आपको? कोई के ना, ना लगी, कोई के ना लगी, कोई भी 45-45 के ऊपर लगी? लग गई, एक ही लगी, दूसरी को लंबा ही ना आ रहा, दूसरे
का नंबर ही नहीं आया, अभी वक्त तो है, एक डोज लग गई सबको, और 18 से ऊपर वालों को नहीं लगी अभी। नहीं लगी है। हाँ, कम कुछ लगवाया है। कहाँ पर लग रही थी? भरतपुर, कुमेर, भरतपुर लगवा के आए, कुमेर भी लगवा के आए। कल भी कैंप लगा था यहाँ पंचायत में, कल भी BLO आया था बुलाने, 45 ऊपर के लिए। अभी 18 के लिए नहीं, 18 कैसे जाते? पैदल पैदल जाए, गए भरतपुर, साधन ही ना मिला, कुछ बस बंद पर ही। बस तो बंद है, थोड़ी दिक्कत तो होती है इस वजह से। हाँ, पैदल ही पैदल गए, बस दिक्कत तो होती है ना। दिक्कत है भाई। और का तो बाबूला गांव के लोगों की समस्याओं को आपने सुना कि महामारी को लेकर हालांकि डर इनमें नहीं है, जिस तरह से मास्क नहीं लगा, उनका कहना है कि हम बाहर जाते ही नहीं है, ना किसी को आने देते, तो हमें मास्क की क्या जरूरत। लेकिन गंभीरता से इसे लेना जरूरी है, मास्क लगाना जरूरी है। व्यवस्थाओं को हालांकि लेकर जरूर इन पर सवाल है, और ये नाराजगी भी है कि यहाँ कोई न देखने आता है, न सुनने आता है, ना उनकी समस्याओं को जानना चाहता है, और इसलिए वो इन समस्याओं के साथ ही जीने के लिए मजबूर है। चलिए, अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। तो गांव-गांव की तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, और चलिए कुछ और अहम गांव की भी तस्वीर देखते हैं, जहां पर जानते हैं लोगों से ही कि आखिर उनकी जरूरतें क्या है, समस्याएं क्या है, और उनके गांव में आखिर व्यवस्थाएं क्या है। डी कुम्हेर विधानसभा क्षेत्र के एक और गांव हम पहुंच चुके हैं, गांव का नाम है बैराला कला। और सबसे अहम बात यह है कि यहां पर मामले भी बहुत सारे आए हैं, कोविड को लेकर मामले सामने आए हैं, हालांकि इंतजाम उस लिहाज से है या नहीं यहां पर लोगों से ही जानते हैं और कोशिश करते हैं इनसे बात करने की। कितने मामले आपके इस गांव में आ चुके हैं कोरोना को लेकर? 158 के करीब आए। 158 के करीब आए, ये ऑन रिकॉर्ड है या फिर पेपर में कम? ये मास्टर के बारे में रिकॉर्ड। अच्छा, उनके पास ये रिकॉर्ड है। और इंतजाम क्या है, व्यवस्था क्या है? कोई पॉजिटिव आया तो कहाँ जाते हैं टेस्ट कराने? यहाँ कुछ सर्वे या कुछ हुआ है? कुम्हेर, कुम्हेर जाना पड़ता है सर्वे, सैंपलिंग, टेस्टिंग के लिए कुछ हुआ है यहाँ पे? कुछ ना हुआ, वो अपने स्तर पर ही जिसको लगता है वो जाके वहाँ टेस्ट करा लेता है। और उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर है? है। तो वहाँ पर क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था ना है, यही यही है उप स्वास्थ्य केंद्र। तो ये कितने दिन में खुलता है? 8 दिन खुल जाएगा। अच्छा, आपके गांव का कोई दौरा करने आया, कोई अधिकारी, कोई मंत्री, कोई विधायक, आपके यहाँ के विधायक? नहीं, कोई नहीं आया। ठीक है। और 158 के करीब मामले यहाँ पर कोरोना के सामने आए हैं, गंभीर है यहाँ के लोग कि कहीं महामारी हमारे गांव में ज्यादा फैल ना जाए? फैल नहीं है वैसे तो, पर कंट्रोल में है। अच्छा, काकी ये पानी लेके आ रही है क्या कहीं से? पानी लेके आए हैं, बड़ा दूर तिला में। कितनी दूर से पानी आती ना है? हाँ। कोई पोखर पे तो कहूँ मंचा जान डोले पानी भरते। कितने दूर तक जाते हैं आप लोग? बहुत दूर, 2-2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ऐसे ही लेकर आते हैं? ऐसे ही लेके आते रोज। तो ये सुबह शाम सबको और सब यहाँ पे पानी? सब दोपहर ही लेकर जा, भरते ही भरते। अच्छा, पूरी दोपहर ही डोले में पानी भरती भाई। गर्मी में ऐसे पानी लाना और मजबूरी है खूब। हाँ, तो यहाँ इंतजाम क्यों नहीं है इतने टाइम में, इतना वक्त कोई कर ही ना रहा ना? तो आप लोगों ने बोला, आप लोगों ने बोला कि समस्या पानी की? सब पानी की है खूब बोल रहे हैं, पानी की है। हाँ। पानी कोई लाई ना रहा। अच्छा, और आप लोग पानी लेने जाते हैं इतनी दूर दूर, और कोरोना महामारी गांव गांव फैल रही है, उसका डर नहीं? डर है, डर का कर रहे, फिर पानी प्यासे तो मर जाए, नहाएंगे पियेंगे बच्चा प्यासे। मतलब अगर कोरोना महामारी के चक्कर में घर में बैठेंगे तो प्यासे मर जाएंगे, पानी पीवे गुना। अच्छा, यहाँ कोई आता नहीं है कि आपके विधायक आते हो या पूछते हो क्या समस्या है? पानी कोई ना पूछे ना आमन ने। और ये कोरोना महामारी को लेकर भी कोई आया नहीं सर्वे करने के लिए कि गांव में? ना आया, मैं सब गन्ना के लिए सब ऐसे। और तो ये 150 से ज्यादा लोग आपके मामले आ चुके हैं गांव में, तो लोगों ने इलाज कैसे किया, खुद से ही दवा लेकर? खुद नहीं करे, मन तो करे ही कर ही करवाए। आपके घर में तो किसी को नहीं हुआ था? भयो हमारे बड़े छोरा के भयो है, वर के भयो। अच्छा, 2 लोगों को हुआ था? हाँ। तो फिर वो लोग क्या किए, घर पे ही रहे और दवाइयाँ ली? ये कहते हॉस्पिटल ले गए, वही तो ठाड़ो ना वे को रहे माँ। अच्छा, देखे खड़े वही तो ठाड़े ना वे, ये तो। अच्छा, ये आपके ठाड़ो? हाँ, देवर है ये। अच्छा, देवर है आपके। आप कहाँ इलाज, आपको भी एडमिट हुए थे घर पे? सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल में इंतजाम थे पूरे वहाँ पे?
पूरे इंतजाम है। और टेस्टिंग कहाँ पे कराई थी आपने? यहाँ कराई, मऊ कराई। अच्छा, आपके गांव में नहीं है कोई फैसिलिटी? गांव में नहीं। अच्छा, बोला तो जाता है कि सर्वे हो रहा है गांव में, सब देख रहे हैं जहाँ जिसको सिम्टम लक्षण है। आप लोग के गांव में कोई आया? ना, कोई सर्वे नहीं। कोई नहीं आया। अच्छा, सरकार की योजनाओं को लेकर आपको जानकारी है? चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना है, नई योजना है, चल रही है चिरंजीवी योजना, तो आपको उसके बारे में पता? आपने कराया उसमें? अभी ना कराया, नहीं पहले है वो मेरा, ये खास सुरक्षा में नाम हो ना, बाकी जरूरत है। आपके गाँव में कोरोना से भी मौत भी हुई है? हाँ, हुई है सब। कितनी मौत? करीब 3 मौत हुई। तो 3 क्या थे, बुजुर्ग थे या युवा थे या? एक तो बुजुर्ग थे जी, और एक बिल्कुल यंग था। तो वो क्या यही घर पे ही अस्पताल ले जाके जयपुर तक पहुंच गया था? जयपुर तक गया था। और ये जो बुजुर्ग बता रहे हैं वो भरतपुर थे। अच्छा, और तो 3 ही दर्ज की गई है या फिर आप और भी हुई थी और कोरोना से पता नहीं चला? तो कोरोना से 3 हुई। कोरोना से 3 हुई है। बाकी यहाँ पर टेस्टिंग वगैरह तो होती नहीं है, कैसे पता चलेगा कि कितने और लोगों को हुआ है नहीं हुआ? वो तो खांसी बुखार जुकाम हो तो कोरोना तो हुआ है। नहीं, 158 तो हुआ, लेकिन और किसी को अब नहीं है, कैसे पता चलेगा जब यहाँ टेस्टिंग नहीं है? वो तो अपने अनुमान से कर लें फिर इलाज फिलाज को। अच्छा, और अगर अनुमान से ये सोचा कि हल्का सर्दी जुकाम है, ठीक हो जाएगा, और फिर अगर दिक्कत हो गई बात, हॉस्पिटल जाना पड़ता है? हॉस्पिटल जाना पड़ता है, वो भी यहाँ से दूर है। हाँ, 10 किलोमीटर। यानी गांव में व्यवस्था सबसे बुरे किस चीज़ के हाल है, पानी के अलावा? पानी की समस्या है, और ज़्यादातर तो पानी की समस्या, खारा पानी है पीने के लिए, और उसी से काम चला रहे हैं। आपको पानी लाऊं गिलास में दिखाऊं, चेक कराऊं पीने के, देख रहे? अच्छा, यानी कि इतना ज्यादा खा रहा है कि पीने योग्य नहीं है? पीने योग्य नहीं है, पीने योग्य। हाँ, पीने योग्य। और कितने सालों से ये समस्या है? कितने सालों से? नहीं, ये समस्या तो बहुत पुरानी है, लेकिन चंबल की योजना आई हुई है, और वो चंबल का पानी गांव, इस पंचायत की 2-3 गांव में पहुंच चुका है, लेकिन इस गांव में नहीं है, मुख्यालय पंचायत मुख्यालय पर नहीं है। और जिन गांव में लाइन डल भी गई है तो उनके रास्ते खराब कर दिए इन्होंने, बनवाए नहीं दोबारा रास्ते, तो बड़ी स्थिति खराब है, रास्ते खराब है। मैं तो ये समस्या दर्ज कराई कहीं आप लोगों ने कि भाई यहाँ तक गांव में आ चुका, हमारे गांव में बिल्कुल दर्ज है? दर्ज है। हाँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, वैक्सीन को लेकर क्या है, वैक्सीनेशन हो रहा है यहाँ पर? कितने उम्र से ऊपर है? 45 से ऊपर। 45 ऊपर, 18 से ऊपर वालों को अभी नहीं लगाई? अभी नहीं लगाई, नहीं लगाई। और 45 से ऊपर क्या दोनों डोज लग गई है? किसी की एक के लगी है, किसी की दो भी लग गई है। अच्छा, दो कम लगी है, दो कम लगी, एक ज्यादा लगी है। वैसे ज्यादातर एक डोज लगी है। तो ये आपने सुना कि इस गांव के लोगों की समस्या क्या है? पानी की सबसे ज्यादा समस्या है, गर्मी में पानी की दिक्कतें भी होती हैं, सफाई यहाँ पर है नहीं, कोई देखने सुनने वाला है नहीं। कोरोना के 156 मामले यहाँ पर आए हैं, करीब 3 लोगों की मौत हुई है ऑन रिकॉर्ड, ये बात हम कह रहे हैं क्योंकि ये दर्ज है। लेकिन इसके अलावा उप स्वास्थ्य केंद्र भी यहाँ पर बना हुआ है जो किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि 8 से 10 दिन में जब मन होता है खुलता है, वरना नहीं खुलता है। दवाइयों के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि गाँव वालों का कहना यही है कि ये बहुत सबसे बड़ी समस्या पानी की है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। शिकायतें कई बार दर्ज कराई हैं लेकिन इसके बावजूद भी अब तक कुछ हुआ नहीं, और यही वजह है कि जब कोरोना के मामले भी सामने आए, हालांकि उसके लिए इलाज के लिए आसपास जाना पड़ता है, कभी 4 या कभी 6 किलोमीटर आगे, लेकिन उससे इतने ही 2 से 3 किलोमीटर तो पैदल जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। ये हाल इस गाँव के हैं, ये सबसे बड़ी समस्या ज़रूर है इस गांव की, बेलारा गांव की। और ऐसे में इंतज़ार इन लोगों को यही है कि जल्द से जल्द इस मामले को देखा जाए, जल्द से जल्द सुविधाओं को यहां पर दिया जाए, ताकि आम जन जो मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है यहां के ग्रामीण, उनकी पूर्ति की जा सके, और एक बड़ी समस्या जो पानी की है वो भी पूरी की जा सके। देखा आपने, बिना सुविधाओं के, बिना व्यवस्थाओं के ही गांव अब इस महामारी के दौर से बाहर निकल रहे हैं अपने स्तर पर। हालांकि कोशिश यहां पर ग्रामीण भी करते हैं कि पूरी तरह से पालना लॉकडाउन की जाए, लेकिन कहीं पर नजर आता है कि डर ही नहीं है कोरोना का, तो कहीं पर जागरूक नजर आते हैं ग्रामीण। अब इंतजार जरूर युवाओं को हो कि वैक्सीन उन्हें लग सके, बुजुर्गों को है कि सेकेंड डोज उन्हें मिल सके, और पूरे गाँव को है कि जो सुविधाएं अब तक नहीं पहुंची है वो सुविधाएं उन तक पहुंच सके। तो ये भरतपुर के विधानसभा क्षेत्रों के कुछ गांव की तस्वीर जो आपके सामने आज हमने रखी। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात करेंगे कुछ और अहम तस्वीरों और हकीकत के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।